हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपीपीएससी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है, 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार ने। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कहता है, नगर की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें तीन कथन दिए गए हैं और नीचे क्या कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, इसका कथन हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और कथन क्या क्या हैं? पहला कथन कहता है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवासों, और दूसरा कथन कहता है कम से कम 75% कार्यशील पुरुष कष्टेतर कार्यों में लगे हों, और तीसरा कहता है जहां की जनसंख्या अधिकतम 5000 तक हो। ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। ओके, अगला है, द्वितीय औद्योगिक नीति में उद्योगों को क्या कहा गया है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी, तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में जो उद्योग रखे गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वे पूर्णतः सार्वजनिक उपक्रम होंगे, निजी उपक्रम का उनमें कोई स्थान नहीं होगा। अगला है, फसल चक्र से आशय है, तो फसल चक्र से आशय क्या होता है? ऑप्शन सी, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। अगला है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है ऑप्शन बी, देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, ये होती है सस्ती मुद्रा। अगला है, निम्न में से कौन सी हरित गृह या कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला है, मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है, तो मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर कितना है? ऑप्शन ए, 60 डेसिबल। नेक्स्ट है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। अगला है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं नामा जो लिखा गया है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलीय वंश। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कथन दिए हुए हैं और उसका कारण दिया गया है और नीचे क्या कहता है, इसमें से देखिए कूट द्वारा बताना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं, परंतु तथा आर जो है एक की सही व्याख्या है। देखिए कथन क्या है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है और इसका कारण जो दिया है, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त तो साधन नहीं है, मतलब आर ए का सही व्याख्या है। जो कारण जो आर दी हुआ है, आर जो कारण इसका है वो इसकी ए व्याख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, टोडा जनजाति का निवास स्थान है, ऑप्शन ए, कैमूर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, बैंक बीमा है, तो बैंक बीमा किसका है? ऑप्शन बी, सम्मिश्र वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती है। अगला है, सुमेलित करना है, जिसमें सूची एक में राज्य दिया है और सूची टू में जीव मंडल रिजर्व दिया है और कूट द्वारा हम लोगों को मिलान करना है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ओके तो दोस्तों देखिए, ओडिशा का संबंध हो जाएगा चौथा सिमलीपाल, और दूसरा वाला जो बी है मध्य प्रदेश का संबंध हो जाएगा तीसरे से पंचमढ़ी, और सी का जो संबंध हो जाएगा तमिलनाडु का, और एक वाला नीलगिरी, और जो असम है इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से मानस। ओके अगला है स्मार्ट जेल होता है, तो स्मार्ट जेल क्या होता है? ऑप्शन सी, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है। अगला क्वेश्चन कहता है भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो भोजशाला मंदिर में जो मूर्ति है ऑप्शन ए सरस्वती की मूर्ति है। अगला है किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? ऑप्शन सी तुगलक वंश। अगला है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वंदे मातरम। अगला दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन डी औरंगजेब के द्वारा। अगला भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? ऑप्शन डी थोरियम। देखिए दोस्तों, अब देखिए कथन है और कारण है और कोड द्वारा बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये वाला, मतलब ए और आर जो हैं वो दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ओके कथन क्या कहता है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, और कारण क्या कहता है, बाह्य संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, मतलब जो आर है इसकी व्याख्या करता है ए। ओके अगला है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन है ये वाला, कूट द्वारा बताना है, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है, चौथा वाला गलत हो जाएगा। पहला क्या कहता है, हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम के बौर आने लगे, और तीसरा कहता है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन बी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। अगला है एनडीसी संबद्ध है, तो एनडीसी किससे संबद्ध है? ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए तने से। और अगला है राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना है, तो राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना क्या है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार की। अगला है बायोसेंसर क्या है, तो बायोसेंसर जो होता है ऑप्शन सी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है? ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। अब देखिए सुमेलित करना है, सूची एक है और सूची टू है, और कूट द्वारा बताना है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा ये वाला। तो दोस्तों देखिए, ग्राम सभा का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से 243 से, और वित्त आयोग का जो संबंध हो जाएगा वो चौथे से हो जाएगा 243 एक, और सी वाला निर्वाचन का संबंध हो जाएगा पहले वाले से 243 के, और स्थानों का आरक्षण चौथा वाला क्या हो जाएगा दूसरा वाला 243 डी। अब देखिए फिर से सुमेलित करना है और कूट द्वारा बताना है, सूची एक और सूची टू दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी, तो पहला वाला अनुच्छेद 75 है, इसका संबंध हो जाएगा दूसरा वाला मंत्रियों के बारे में उपबंद, और बी है अनुच्छेद 163 का संबंध किससे हो जाएगा चौथे वाले से मंत्रिपरिषद, और सी जो है अनुच्छेद 79 इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से संसद,
और लास्ट वाला है अनुच्छेद 360, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, वित्तीय आपात। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला है आई लैंडिंग व्यवस्था संबंधित है, तो आई लैंडिंग व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, बिजली से। अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब परिवार नियोजन, वन और शिक्षा। अब देखिए 36 है, कथनों पर विचार करना है, उसके बाद नीचे हमें कथन असत्य वाला बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, पहला दूसरा। ओके, मतलब पहला और दूसरा कथन असत्य है और तीसरा वाला क्या है, सही। इसको देख लेते हैं। बच्चा गोद लेने के अधिकार से संबंधित याचिका समाज सेविका सिमरन हाशमी ने दायर की थी, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी के दो ऊपर वाले गलत। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। और अगला है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, अनाई मुड़ी। और अगला है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन बी, बृहत हिमालय बा पीर पंजाल। अगला है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी। ओके, तो देखिए पहला आएगा राजस्थान, फिर आएगा तीसरा वाला महाराष्ट्र, फिर आएगा कर्नाटका, फिर आएगा तमिलनाडु। ओके, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा। ओके, अगला है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? ऑप्शन ए, बैरन। और नेक्स्ट है हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश तट। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। अगला है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला है कौन सी गैस नोबेल गैस है कहलाती है? ऑप्शन सी, हीलियम। ओके, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन डी, यूरेनियम। और अगला बनता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1972। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। और अगला है कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? ऑप्शन बी, खजुराहो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? ऑप्शन डी, सेप्स। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक SBI। अगला है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए, सासाराम में शेर शाह का मकबरा है।
अगला है हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। तो ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला है निकोलो कोंटी कौन था। तो निकोलो कोंटी जो था ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहास वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है। ऑप्शन डी मागध। अगला है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में क्या बातें समान हैं। नीचे आपको सही उत्तर का चयन करना है वो भी कूट का प्रयोग करके। तो ऑप्शन बी केवल थ्री मतलब तीसरा वाला सही हो जाएगा। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। अगला है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन। अगला है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया ऑप्शन ए बुद्ध ने किया था। अगला है अनात्मवाद का सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का। अगला है सूची। देखिए सुमेलित करना है। सूची एक है सूची टू है। सूची एक में औद्योगिक केंद्र है सूची टू में प्रमुख उद्योग हैं। ओके और कूट द्वारा हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा जूम करते हैं फिर मिलान करते हैं ये वाला। ओके तो आगरा का संबंध किससे हो जाएगा चौथे वाले से पर्यटन। और कानपुर का संबंध किससे हो जाएगा पहले वाले से चमड़े का सामान। और सी मेरठ का संबंध किससे हो जाएगा दूसरे वाले से खेलकूद का सामान। और ऑप्शन डी सॉरी डी वाला क्या हो जाएगा मुरादाबाद का तीसरा वाला धातु पात्र। अगला निम्न में से कौन सी धातु हस्तशिल्प के लिए विकसित एकल उत्पाद क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कानपुर सेज। अब देखिए दोस्तों उत्तर भारत को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए नीचे कूट द्वारा हमें बताना है सी वाला हो जाएगा पहला दूसरा चौथा। तो कथन क्या है पहला कथन कहता है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये भी सही है। ओके और दूसरा क्या कहता है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। और चौथा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। ऑप्शन सी मथुरा में। अगला है मांझी द माउंटेन मैन फिल्म से प्रदेश के किस अभिनेता ने ख्याति पाई। ऑप्शन डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन सी अंगिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कर्मा महोबा ये सुमेलित नहीं है। ओके अगला है उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की। ऑप्शन सी ललित मोहन सेन। और अगला है हमारा समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1/9। अगला है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन डी निथार कर। अगला है खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं। ऑप्शन बी मीथेन के साथ वायु। और अगला है मोती की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जब एक सीडी
ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन एक द्वारा परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। अगला है रक्त समूह का आविष्कारक है, तो रक्त समूह का आविष्कारक है ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। अगला है पीलिया जो एंडिस से दुष्प्रभावित होता है, ऑप्शन सी यकृत। और अगला है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए जीवाश्म। अगला है मधुमेह डायबिटीज के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए एफ जी वेंटिंग ने। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ऑप्शन सी 102वां। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, ऑप्शन बी शिवांगी। अगला है किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीबी 971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है, ऑप्शन बी चीन। अगला है 21 जुलाई 2019 को संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2019 का एकल खिताब किसने जीता, ऑप्शन ए जॉन इस्नर ने। अगला है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ, ऑप्शन ए 1 अगस्त 1949। अगला है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैमिषारण्य। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहां स्थित हैं, ऑप्शन सी जोशी मठ द्वारिका पुरी श्रृंगेरी। अगला है तृतीय संगम हुआ था, ऑप्शन सी मदुरई में। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सिक्किम में। और अगला है निम्न में से कौन अनुसंगी नगर सैटेलाइट टाउन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। अगला है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाता है, ऑप्शन सी तापी। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है, ऑप्शन डी 14 दिन। और लास्ट है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है, ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।